देख लो उत्तर प्रदेश में बैठे हुक्मरानों, झांसी में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों, इस तस्वीर को देख लो। झांसी मुख्यालय की तहसील मोठ से महज 5 किलोमीटर दूरी पर मौजूद रेव गांव में स्वास्थ्य सेवाओं ने कैसे दम तोड़ दिया है। हरसाल सिंह बंदेला। अच्छा भैया, ये बंद क्यों पड़ा रहता है? सर इसकी कई बार शिकायत की सब जगह, लेकिन कहीं पर कोई कर्मचारी नहीं आता। इस वक्त हम मौजूद हैं झांसी मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूरी पर मौजूद मोठ तहसील में, जहां मोठ तहसील से 5 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है रेव गांव, जहां ये आपको बड़ी सी बिल्डिंग नजर आएगी। इस बिल्डिंग के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में उप स्वास्थ्य केंद्र ग्राम रेव ब्लॉक मोठ लिखा हुआ है। अब आप इन शब्दों को देखकर सोचेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलती होंगी, लेकिन साहब नहीं, ये उप स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ कंडे और भूसे मिलते हैं। इसको हम आपको दिखाएंगे और ये तस्वीर में दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर बने कमरों में भूसा और कंडा भरा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे कि भूसा और कंडा क्यों। तो आपको बता दें कि उप स्वास्थ्य केंद्र में वैसे तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मलहम पट्टी होनी चाहिए, लेकिन इसमें इस जो स्वास्थ्य केंद्र जो मौजूद है उप स्वास्थ्य केंद्र, इसके अंदर भूसा और कंडे भरे हुए हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको कैमरे में साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आएंगे आपको। इसके बाद हम आगे की ओर लेकर बढ़ेंगे जहाँ भूसा भरा हुआ है। इस भूसे को शायद भरे हुए काफी समय हो चुका है, जो काफी संख्या में यहाँ पर भूसा मौजूद है, जो दरवाजे के नीचे से साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसके बाद हम दूसरी तरफ घूमेंगे तो आपको वो बाउंड्री नजर आएगी जो स्वास्थ्य केंद्र को चारों ओर से घेरे हुए है, जिसके बाद यहाँ पर आपको वो गोबर भी नजर आया जाएगा जिस पर इस वर्तमान में प्रदेश सरकार गाय और गोबर की लड़ाई लड़कर आगे बढ़ रही है। अब हम आपको और आगे की ओर लेकर बढ़ेंगे जो चारों ओर का एरिया दिखाएंगे कि उप स्वास्थ्य केंद्र का जो मेन रास्ता है वहां गिट्टी और बालू भरी पड़ी हुई है। अब ये किसका है ये तो गांव वाले नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि गांव में कोई भी आपसी झगड़ा समझ लीजिए आपसी मनमुटाव नहीं लेना चाहता, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं प्रदेश के हुक्मरानों पर खड़े हो रहे हैं कि बड़ी बड़ी मंचों से स्वास्थ्य सेवाओं के दावे करने वाले और स्वास्थ्य सेवाओं को संभालने वाले प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के उन सेवाओं की पोल खोलते नजर आ रहे हैं जिनका वह दावा बड़ी बड़ी मंचों से लोगों तक पहुंचाने का कर रहे हैं। धीरेन्द्र राय के बार न्यूज 30 टीम झांसी। इसकी तस्वीर देख लो साहब, प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदार मुखिया और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जन जन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए मुहिम छेड़ रखी है। उनके धड़ाधड़ निरीक्षण से स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों में हड़कंप मचा रहता है, लेकिन झांसी के इस गांव में बना उप स्वास्थ्य केंद्र इस मुहिम पर किस प्रकार पलीता लगा रहा है यह तस्वीर देखकर साफ हो जाएगा। जहां डॉक्टर बैठना चाहिए वहां भूसा भरा है, जहां मरीजों की मलहम पट्टी के साथ इलाज होने चाहिए वहां कंडे भरे हुए हैं, और यहां तैनात जिम्मेदार स्वास्थ्य महकमे के कर्मचारी नदारद हैं। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झांसी के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने के दावे दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी एसी दफ्तरों में बैठकर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने के दावे कर रहे हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद इन दावों की हकीकत सामने नजर आ जाती है। हमारी टीम सरकारी स्वास्थ्य महकमे की पड़ताल करने निकली, जिसमें झांसी के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर मजाक चल रहा है, और इस मजाक की तस्वीर इस रिपोर्ट में देखिए। क्या नाम है आपका, कहाँ के हैं? हम साहब ग्राम रेव के रहने वाले हैं, रमेश चंद सबका इनाजात के। अच्छा, आपके यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बना है? बना है साहब। ये कब से बना है और इस पे कोई डॉक्टर आया या नर्स आई है? नहीं नहीं साहब, कोई नई नर्स नहीं आई, 15 साल के लगभग में हो गया है। फिर इलाज कराने कहाँ जाते हैं आप? साहब बकुआ जाते हैं, मोड़ जाते हैं।
जानकी शरण कुशवाहा, यहीं गिरे हुए। अच्छा, ये स्वास्थ्य केंद्र बना है, कब से बना है और क्या सुविधाएं इसमें दी गई हैं? अबे कुछ नहीं, चालू ही नहीं हुआ और टूट फूट हो गया। कितने वर्ष पुराना परिवार, गांव के कोई सुविधा हो जाए, मुआट भागने पर बकवा भागने पर जो आदमी बाहर तो ना भागे, यही सुविधा मिले तो 24 घंटे और बड़ी गले। अपने अभी तक मिली है या नहीं मिली? नहीं मिली, आई आई नहीं को रहना पर। ये कब से बना है? लगभग 15-20 साल हो रहे हैं, जब कोई सुई बना डरा। आप दबी से देख रहे हैं यहाँ पर? जब इनकी देख रहा है। आप गांव की हैं या कहीं और की? गांव की है, बाबा में स्कूल में रहा था, आंगनबाड़ी मंजीत सिंह ग्राम पे गाँव। अच्छा, यहाँ पर ये स्वास्थ्य केंद्र बना है, इसके क्या है कारण? ये बंद रहता है क्या है, कब तक बंद है? तो पहले से बंद है, लगभग कितना समय हो गया होगा? हम तो 10 साल से नहीं रहे हैं। कोई डॉक्टर या नर्स वगैरह कोई नहीं आता है? डॉक्टर नर्स कोई नहीं आता नहीं। इसकी किसी द्वारा कभी शिकायत हुई या नहीं हुई? शिकायत का तो हमें ध्यान नहीं है, शायद की है। सर, आपने कभी आगे चाह कि ये चालू हो जाए या चाहते आप क्या होना चाहिए? चालू हो जाए। यहाँ के लोगों को कहाँ दिखाने जाना पड़ता है? मोड़ जाना पड़ता है। सर, आप क्या चाहते हैं, चालू हो जाए? चालू हो जाए। तो कोई नर्स वगैरह चाहिए कि डॉक्टर आ जाए यहाँ पर, क्या है? अच्छी बात है, डॉक्टर साहब आ जाए, नर्स आ जाए, तो यहाँ के लोगों को दूर ना जाना पड़े। तो इसमें जो अच्छे जर्जर हालत पड़ी है, भूसा मूसा भरा, बाउंड्री टूटी, ये सब इनका काम हो सकता है? अब चीजें कहीं नहीं, जो बाउंड्री टूट दी गई है, अपने आप गिर गई हो सकता है अपने आप।